पीस मेरा हो गया है, अब धीरे 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 इसके अंदर की आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, तो वो हो रहा है, कैन सी। हम टाइटल की बात करते हैं, पहले मेंटल है क्या था, अभी जजमेंटल हो गया, यू आर अ फाइटर, बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी इजीली, आर यू रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, क्योंकि हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब खराब होते हैं, मेंटल है क्या वाज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग। सर अभी जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है, उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे, और ऐसा कहा जा रहा है, जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है, पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से, अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड, मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है, और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया, पर जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है। सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस, बट वी ट्रूली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिंसियरिटी है, और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला है, वो भी उन्हीं ने, वहाँ पे उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा, फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है, हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर, तो इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा, वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया। सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस, एंड जिस इशू को लेके, जिन लोगों को लेके बनाई गई है, तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आपके जवाब से पता चला कि लाइफ में थोड़ा यू हैव स्टार्टेड यू नो थोड़ा कूल डाउन होना भी ज़रूरी है, आई मीन टू से हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे अपने टाइटल को लेकर थोड़ा आपने सोचा कि चलो रास्ता बना लो, तो हैव यू थोड़ा आपका जो थॉट प्रोसेस हैज। हाँ, मेरी मम्मी को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 30 के बाद ही थोड़ा काम डाउन होती जाएगी होती जाएगी, फिर हेलो 30 मेरा हो गया है, अब धीरे 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 इसके अंदर की आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, तो वो हो रहा है, आई कैन सी डिफरेंट स्टफ एंड यू विल ब्रिंग इट आउट देयर, यू हैव गॉट द प्रोड्यूसर्स दैट आर बैकिंग यू अप ऑन दिस, यू हैव गॉट द डायरेक्टर विद यू, बट आई हैव टू से यू नो द गम्शन दैट यू हैव एंड यू नो यू आर एबल टू जस्ट मेक योर ओन पाथ एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई यू नो यू बिकम अ फोर्स ऑन योर ओन ओनली, इट इज सो फैंटास्टिक टू सी। नो सलील, फॉर दिस आई वुड लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट टू शैलेश जी, बिकॉज़ फॉर 2 years he was telling me there is a script for you and this writer has written you in mind, so would you please, but I was not very keen on thrillers, and he would tell me give it a chance and all of that, and I'm like I don't want conned. Yeah, so I asked her to read one of the script to just see how she writes, so I gave the script to read her, that's how I managed to get her to read the script, and when I heard it I was completely blown away, because it is so much more than just a thriller. Thriller is probably just one layer of it, but this film has so much to offer, and when I read it and I felt so stupid that I had such a prejudice for a thriller, I always felt that thriller is a technician's medium, it's a director's medium, and actors have not, because you have to be very ambiguous in a thriller, you know, actors have really no arc, because the you know they you've got to be playing very in a very sort of middle ground. That's why I wasn't very keen. I was so wrong, and I'm just so happy that I finally did it. And Kanika, it's an honor that she's written a role thinking of me in mind. I mean, I don't know if it is actually an honor or something too. It's working for us. We're very happy. Yeah, but like mental hai uske bare mein, you know, judgmental hoke ek film likhte hai. No, it was such a beautiful, happy moment for us when you know Kangana. You know, usually actors take time to make up their mind and all that, but Kangana was so instinctive and so sure, and I think in the first half itself, you know, we knew that, you know, she's doing it. She didn't like take even a moment. So, you know, she knows what she wants. And
Yeah, we've seen a lot of that. You do know exactly what you want, and you know, it's fantastic. You haven't even the one that didn't work at the box office, which you were, you know, a producer also of. I was in love with Simran as well. I found that fantastic as well. I haven't seen you put a foot wrong in a long time, and you know, I think this is kudos to you. Mr. Raju Hirani also told me the other day that he really loved the film, and he was also surprised that it didn't do well. He saw it in an aircraft. So I don't think it was a film which was, obviously it was not supposed to do 100 crore, but it is definitely not a bad film. You become a victim of your own numbers with that, the Tannu Veds Mannu numbers and all. You become a victim of that, I think. That's a good thing. All right, so like I said, lots of lady power on stage. I'm going to open out to the audience. Please go ahead. Anybody wanted to ask? Oh, right here. Okay. क्योंकि आपके बारे में कहा गया है अरे कंगना वो पगली है ऐसी है कई आपके जवाब या जो भी विवादित बयान रहे हैं उसको लेकर तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं कि थोड़ा सा पहले लगा यार ये फिल्म मुझे ऑफर की जा रही है ऐसे नहीं आई थिंक मेरी जिंदगी में एक काफ़ी एक फेज़ आया था जिसमें मुझे ये कह कह के काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है ये मेडिकेशन पे है तभी ऐसे क्लेम कर रही है एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था कि यू नो सो व्हाट जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी कहानी है क्योंकि अगर वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता 2016-17 का था जो उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इशू है कि यू नो लाइक एक लड़की को सब पगली पगली बुलाते रहते हैं और उसकी और यू नो वो भी थोड़ा सा ऑफ है थोड़ा ऑफ बीट है तो ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फेज़ आया उसके करके मैंने बहुत रिलेट किया इस फिल्म से आई थिंक सो मुझे एक्चुअली में ना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलिएशन लगती है आई एम ओके अगर मेरे बारे में लोग या अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं मेंटल सोचते हैं वोला में सोचते हैं या गैंगस्टर की मोल समझते हैं या तन्नू समझते हैं दत्तो समझते हैं सो फॉर मी इट इज़ नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नोर अ ह्यूमिलिएशन आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि कहानी का टाइटल बाद में आया कहानी पहले आई और वो कहानी बहुत कम एक्टर्स पुल ऑफ कर पाते सो आई मीन दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स दैट Yeah, I think I don't think Kanika ever thought of her character as a mental. She when she offered the film to me, the film was called Bobby. So I don't think in her mind she has ever been harsh to her character. So it was actually a very pleasant take on somebody who's so prejudiced in the society. One sec, we'll just when we said raw and uncensored, we really meant it. This is going to be one of those really raw and uncensored. यार पीछे देखते हैं बहुत सारे सवाल करेंगे है ना मेरा सवाल आपसे है कोलमैन ने अपनी जो बुक है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर उसमें लिखा है कि मेंटल इलनेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है छुपाने की चीज़ नहीं है यही बात दीपिका पादुकोण ने मंच पे आकर कहा कि जब वो स्ट्रेस में थी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए लोग जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास जाने से घबराते हैं आप इसे किस मायने में लेती हैं और ये फिल्म उन लोगों के लिए कितनी महती होगी ये देखिए ये फिल्म जो है ये डेफिनेटली इट इज़ अगर आप सोचें कि मेंटल इलनेस के अराउंड ही स्ट्रक्चर्ड है या इसके अंत में एक आके आपको एक सल्यूशन मिलता है एक सुझाव मिलता है ये वैसी फिल्म नहीं है बिल्कुल भी ये एक फिल्म है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट जैसे हम मुझे ये जो रेवोल्यूशनरी इस लेवल पे लगा कि हमने हमेशा देखा एक मेन स्ट्रीम हीरोइन जो होती है वो चर्पी बहुत ज़्यादा होती है खुश बहुत होती है हमेशा उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसकी वो कॉलेज में भी मोस्ट पॉपुलर होती है फिर जब उसकी शादी होनी होती है तब उसको सारे लड़के उसी से शादी करना चाहते हैं फिर उसके बाद जब वो जॉब में जाती है फिर बॉस को उसी से प्यार होता है सो ऐसे तो हमने देखा है आज तक पर हमने ऐसे नहीं देखी कोई जो लड़की है जिससे जिसको अपने भी इश्यूज़ हैं उसके कंडीशंस हैं उसको जो मेडिकेशन पे है वो कंडीशन है बट
तो इस तरह की जो एक कैरेक्टर है, मेन स्ट्रीम हीरोइन है जो कि एक मेंटल इलनेस से डील कर रही है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है, और ये उसकी कोई सॉब स्टोरी नहीं है, वो खुद को कत्ल नहीं कर देती है लास्ट में. अक्सर इन कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि वो खुद को मार डालते हैं तो आसपास के लोगों को मार डालते हैं. सो एक तरह से डार्क स्टोरीज में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो आई लाइक जो कैसे कनिका के कैरेक्टर जो है कैजुअली वेयर्स इट ऑन देयर स्लीव. जैसे ये बॉबी भी है, खुद का भी मजाक उड़ाती है और उसकी सिचुएशन का भी मजाक उड़ाती है. सो अब है जो है वो है. सो जो मेन स्ट्रीम हीरोइन का, जैसे हमने तन्नू के साथ में भी एक लड़की जो लड़के घुमाना जानती है, तो एक जो एक रेवोल्यूशन आया था और वो डेफिनेटली वैम्प नहीं है. सो वो एक तन्नू से पहली बार आया था. हिंदी फिल्म की हीरोइन जो है वो लड़के घुमा रही है और अच्छे से घुमा रही है, एंड शी इज़ नॉट अ वैम्प. सो उस तरह से एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है जो कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, बट वो यू नो शी इज़ नॉट हैंगिंग हर सेल्फ एंड शी इज़ नॉट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड सॉबिंग अबाउट इट. शी इज़ डूइंग हर बिजनेस, शी इज़ डूइंग अ जॉब, शी इज़ ट्राइंग टू सी द सिल्वर लाइनिंग. ये सबसे बेहतरीन बात है. कंगना जी आपके सामने, हाय आपके ठीक सामने, हाय हाय कंगना जी. यू नो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कंगना जी ने हमारी लाइफ की डाली काट कर रख दी है, हमारी ज़िंदगी परेशान कर के रख दी है. तो ऐसे लोगों को कंगना मानती हैं कि वो मेंटल है या जजमेंटल है? वो वैसे लोग हैं, वो जो मैम कह रहे थे ना एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में है, वो वैसे लोग हैं. सो आई थिंक कुछ लोग जो हैं जिनको आई थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं, दूसरों को भी मेंटल. सो वो सब एक अलग पूरा ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का वो. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट डेफिनेटली जजमेंटल तो वो नहीं है. आई थिंक समवेयर दे रिकग्नाइज माई स्पार्क एंड समवेयर दे नो. कोई मेरे दोस्त ही थे जो मुझे कह रहे थे यार तुमको कितने लोग परेशान करते हैं. सो आई वॉज टेलिंग देम कि अगर ये लोगों ने इतनों को टॉर्चर, अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की? तो सोचो अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करते, अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं. नेचुरली इज़ बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट. आपने बताया कि अब आप 30 की हो गई, अब शायद आप शांत हो जाएंगी, तो 30 क्रॉस करते करते कोई और भी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे आप एक्सपोज करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ. आई थिंक वो थोड़ा ऐसा हंसी मजाक में भी लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं. सो आई कीप इट वेरी लाइट. चाहे मैं देश के बारे में बात करूँ, मैं सारी कॉमन सेंस की बात करती हूँ, वो खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं. सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग फॉर मी टू डू. मैं जैसे कहती हूँ अपने दुश्मनों के बारे में कि मतलब उनको मेरी क्या ज़रूरत है, वो खुद ही अपने खुद के काम में लगे पड़े हैं इतनी बुरी तरह से खुद को एक्सपोज करने में. सो आई डोंट थिंक दे नीड मी. डायरेक्टर जी आपसे एक सवाल है. डायरेक्टर जी प्रकाश जी, तेरे तीसरा सवाल चल रहा है यार, रुक जा. डायरेक्टर जी से एक सवाल ये है कि आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये फिल्म आपने प्रॉपर तरीके से आपने डायरेक्ट किया है, कंगना जी ने भी थोड़ी बहुत डायरेक्ट किया? फर्स्ट आई लाइक टू थैंक दिस टीम दैट आई हैड टू मेक सच अ वंडरफुल फिल्म. So to answer, continue the question that he said, for me, the entry into Bollywood has been fantastic with the kind of support that I've gotten from my producers, my writers, my technical team, and most importantly, my cast. So in which both Kangana and Rajkumar have been fantastic. Specific to your question, I thoroughly enjoyed directing Kangana. I come from theater, and I like my actors to ask me questions. I like us to have creative discussions, and I like us to arrive on something that we together collaboratively work on, because I believe filmmaking is a collaborative process. Sir, जब मैंने आपका ये छीन लिया माइक, जब आप एक्शन कहने वाले थे और मैंने सीखे एक्शन, तब आपने क्या किया, तब आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को? So for me, I thoroughly enjoyed working. And taking her inputs, giving my inputs, and we together made this a better film. And those inputs have come from everybody in the team. Like I said, she was wonderful. And a thinking actor. Takari dikhai hai film mein. As your film's tagline says, hashtag trust no one. Aapka trust kisne toda hai? Aur ab apne trust ko barkarar rakhne ke liye aap kya karti hain?
दूसरा एक और सवाल, सुपर 30 भी जल्द रिलीज होने वाली है, उसके साथ आप सवाल में ही जवाब क्लैश से कैसे इस फिल्म को बचाएंगे? नो, वी आर नॉट क्लैशिंग विद डेट. अलग है भाई, डेट टोटली अलग है. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो चेंज हो गया. यू आर एक्सपेक्टिंग अ 2 week, ओके, 2 week रन. बेसिकली इफ इट डज वेल फॉर 2 weeks, देन व्हेन दे मीट यू ऑन द 26th क्लैश, या देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. About trust, yes, as a young woman or as a young man, you would go through a lot of experiences at from the age of 16. Jaise aap apne mummy papa ke ghar se nikalte hain, you feel ki ye to bilkul hi ekdam is unsettling. So you go through various experiences, and to keep the ability to continue to trust people is very healthy, and you will be finished without that ability. If you don't trust people, you don't have faith in life, if you live in constant insecurity of being betrayed or cheated or something going wrong, you're already finished. So to how to keep the ability to trust, to have faith, to be honest, and to be able to every day revive yourself is very important. I do a lot to keep that ability on a very high scale, not a mediocre scale. As a kid, if I left my home without even having any security, you can imagine how high that ability of trust I had growing up. And I realized that is the primary reason of my success. I keep that very high, whether I have to meditate or I have to, whatever it takes, I keep that. कह सकते हैं कि कंगना अब इतनी मैच्योर हो गई हैं कि अब उनका ट्रस्ट तोड़ने वाले डरते हैं? ऐसा नहीं है कि डरते हैं, बट आई डेफिनेटली आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन पीपल. आई डोंट गेट माइंड गेटिंग हर्ट, बट आई डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन. इट्स ओके टू गेट हर्ट, बट इन द एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग हर्ट टू हर्ट पीपल इज रॉन्ग. सोलोस प्लीज विद कंगना.